लखने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। बच्चू बच्चू मेरे मोबाइल का चार्जर कहाँ है? अरे बाबा मुझे क्या पता, रखकर देख लिया कहीं पे भी नहीं मिल रहा, जरूर ये जरीना का ही काम होगा। जरीना जरीना, अरे क्या है भला, किसी ने सिपा कर दिया जो तुम इतने चीखे मार रही हो? सिपा तो तुम होगी, चार्जर कहाँ मेरा? चार्जर मुझे नहीं पता था कि तुम चार्जर से चलती हो। बहुत हंसी आई, शराफत से बताओ मैं मोबाइल के चार्जर का पूछ रही हूँ। मोबाइल का चार्जर? अरे हाँ, वो एक फकीर आया था दरवाजे पे, कह रहा था अल्लाह के नाम पे मेरे को कुछ दे दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं अंदर आई तो देखा चार्जर लगा हुआ था, मैंने चार्जर निकाला उसको दे दिया, बहुत सारी दुआएं दे रहा था, उसके मोबाइल का चार्जर और तुम्हारा चार्जर सेम था, इसलिए मैंने दे दिया। बच्चे आप देख रहे थे, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, ये मुझे जानती नहीं अभी। अरे बाबा अच्छे से जानती हूँ, फकीरों वाला मोबाइल रखने वाली। अरे बाबा अल्लाह के वास्ते लड़ना बंद करो। आप चुप करे बच्चू, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अरे बाबा जरीना तू ही चुप हो जा बाबा। अरे अदा तुमने सुना नहीं, भाजे कह रही है तुम चुप करो, तुम हटो मैं खुद ही देख लूंगी इसको। अरे बाबा तुम दोनों अब मुझे चुप करवा रहे हो। अरे तुम मेरे को बता भला तू मेरा क्या कर लेगी? तुझे तो मैं आज ही घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे छोड़ो मेरा हाथ। अरे 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 बाबा मेरी भी तो कोई सुन लो। अरे ये क्या हो रहा है, और ये आपने जरीना की कलाई क्यों पकड़ी हुई है, और लगता है नाप लेनी है, चूड़ियां दिलानी है क्या? अरे नाप आप नहीं ले रही है, ये मेरा अदा है ना, इसको चूड़ियां पहनानी चाहिए। देख रहा है इसकी बीवी इसके सामने इसकी बहन को तशद्दुद कर रही है, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोल रहा है। अच्छा तो ये लड़ाई हो रही है, चलो फिर मैं बाद में आता हूँ। रुको जानी, तुम मेरे मैनेजर हो ना, तुम इस शॉट को घर से बाहर निकालने में मेरी मदद करोगे। अरे सीमा आप ये कैसी बातें कर रही हैं बाबा? आप चुप करे बच्चू, चलो जानी जानी। तुम मेरे आधा के नौकर हो, याद रखना हाथ तो लगाओ तुम मुझे। अरे बाबा तुम अपनी बकवास बंद करो। अदा तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे लड़ने दो, तुमसे खुद तो कुछ होता नहीं, मैं इसको देख लूंगी। अरे बाबा चुप करो, जाओ जानी जाकर मेरे लिए चाय बना के लाओ बाबा। हाँ मैं भी पीऊंगी इस बोर्डम को निकालने के बाद। रुको जानी, कोई चाय वाय नहीं बनेगी, ये मेरा हुक्म है, अब तो इस घर में मिठाई आएगी, वो भी इस रहस्य को घर से बाहर निकालने के बाद। पता नहीं कैसे तू मेरे को हाथ तो लगा, मैं देख लूंगी तेरे को। अरे बेगम आप क्या बोले जा रही है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप चुप करे बच्चू, जानी तुम जाओ यहाँ से, आप भी जाओ यहाँ से, देख लूंगी मैं इसे। तुम क्या समझती हो कि सबको भेजने के बाद तो मैं डर जाऊंगी? अभी बताती हूँ मैं तुझे। अरे बाबा इन घर वालों की चिक चिक से तंग आ गया हूँ। हुक, क्या हुआ बच्चा, क्या तुझे नौकरी से निकाल दिया? अरे बाबा जाओ दिमाग खराब मत करो, चलो जाओ शाबाश। ए बच्चा, बाबा के पास हर मसले का हल है, चाहे वो नौकरी हो या छोकरी, सास की मनमानी हो या बीवी की नाफरमानी, महबूबा आपके कदमों में, चाहे बाद में आप सदमों में, हर मसले का हल है बाबा के पास। अरे बाबा आपके पास सारे मसलों का हल है? बाबा क्या मजाक कर रहा है, अगर ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूँ। नहीं 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 बाबा बैठो, बाबा बैठो, बताओ क्या है? मुझे पता है तुम दिल से बहुत दुखी हो, क्या मालिक ने तुम्हें चौकीदारी से निकाल दिया है या निकालने की धमकी दी है? बोलो बोलो। अरे बाबा मैं खुद मालिक हूँ। समझ गया बच्चा, ये हाल तुम्हारा किसने बनाया होगा, यकीनन तुम्हारी सास का काम होगा ये। बाबा क्या बात करता है, जो बात कर रहा है गलत कर रहा है, जो बात कर रहा है गलत कर रहा है। अरे बाबा मसलों का हल जानता है, जोची या नजूमी नहीं, जोची और होते हैं, बाबा मसलों का हल बताता है। अच्छा बाबा ऐसा है क्या, चलो बाबा फिर अंदर चलो। लाओ ये मुझको दो। अरे बाबा चौकीदार का है। अरे मुझको दो ये। कैसा बाबा है, चलो बाबा तुम्हें क्या पता मेरा घर उधर है, चलो उधर ही आ जाओ। समझ गया बच्चा, तेरी बहन तेरी बीवी का कहना नहीं मानती, तेरी बीवी तेरी बहन का कहना नहीं मानती, और तेरा नौकर किसी की नहीं मानता,
पर तेरा क्या मसला है इनमें बाबा? अरे बाबा, आपको समझाने में जितना वक्त मुझे लगा ना, इतना वक्त मैं अपनी बीवी और बहन पे लगाता तो वो दोनों मान जाती। खैर बाबा, मसला ये है कि मेरी बीवी और मेरी बहन दोनों मेरी इज्जत नहीं करते। आपस में हर वक्त लड़ते रहते हैं। अगर मैं बीच में बोलूं बाबा, मेरी बेइज्जती कर दो। बस समझ गया, बस। अच्छा बाबा, ओ ये बला मस्करा कौन है? अरे जरीना, तमीज से बात करो। ये बाबा है। कौन सा मेरा बाबा है जो मैं से तमीज से बात करूं? अरे मैं कह रहा हूँ ना जरीना, बस तमीज से बात करो। क्यों बला, क्या तुम वक्त के बादशाह लगे पड़े जो मैं तुम्हारे कहने पे चलूंगी? ये तो खुद इतना कांप रहा है। ओ चाहते हो तो एक कोराड़ा वल्लो आए मुछुड़ी धप तो बा। देखा बाबा आपने? देखा बच्चा, इतनी बदतमीज बीवी, लाहौल वाला कुंवर। अरे नहीं बाबा जी, ये मेरी बीवी नहीं, ये मेरी बहन थी। मेरी बीवी तो एक मिनट बाबा जी। सीमा, सीमा, सीमा। क्या है बच्चू, क्यों फटा ढोक रहा, चीखे जा रहे हो? तमीज से बात करो बाबा, इनसे मिलो, ये है बाबा। गांव वाले बाबा क्या कम थे जो एक और बना लिए? देखो सीमा, तमीज से बात करो, वो मेरे बाबा जानिए, ये दूसरे वाले बाबा हैं। दूसरे हो या तीसरे, मेरी बला से फौरन चलता करो इन्हें, वरना एक भी बाबू के काबिल नहीं रहोगे। बाबा जी देख ले, ये हो रहा है। तू फिक्र न कर बच्चा, मेरे पास इन मसलों का हल है। अगर इन दोनों को एक साथ तेरा ताबेदार ना बना दिया तो मेरा नाम भी बाबा बूबू नहीं है। बाबा बूबू, ये कैसा नाम है? बच्चा, नाम में ना घुस, काम में घुस। ये और ये बीवी और ये बहन, दोनों के तकिए के नीचे रख देना। बाबा ये क्या है? ये जहर नहीं, ये अंतरों मंत्रों जंत्रों से पूर्ण पानी है। एक को अपनी बीवी के सराने और एक को अपनी बहन के सराने रख देना, और फिर देखना कमाल, सुबह तक दोनों तेरी ताबेदार हो जाएंगी। वाह, फिर तो कमाल हो जाएगा। कमाल हो या जमाल, ये तुम्हारा आपसी का मसला है। बाबा को उसकी फीस दे दो, बाबा जाए। अच्छा बाबा, कितनी फीस? जितनी बड़ी मुसीबत टली उस हिसाब से इंसाफ से फीस दे दो। वाह बाबा जी वाह, मेरा ये काम हो गया ना बाबा, तो मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। एक बोतल सीमा के लिए और दूसरी वाली जरीना के लिए बाबा। बच्चों, आया बेगम आया। जरीना की बोतल भी तो रखनी है बाबा। बाबा इधर रखता हूँ। नहीं इधर नहीं रखता, उसके नीचे रखता बाबा। अरे वाह सही वाह, एक साथ बीवी और बहन दोनों ताबेदार। वाह सही वाह, मजा आ जाएगा। तो इस सरीना ने तो सब में दर्द कर दिया मेरे। थोड़ी देर आराम कर लो, दर्द ठीक हो जाए। सर का ये क्या है मेरे तकिए के नीचे? जरूर दूध का ही कोई सैंपल होगा। बच्चों भी ना हर चीज उठा के कमरे में ले आते हैं, पर मेरे तकिए के नीचे क्यों रखी? जिसकी चीज है वही संभाले, उनके तकिए के नीचे रख देती हूँ। अरे बाबा अब मजा आएगा। उफ, थक गई बाबा मैं तो। अब नहीं, अरे सकीना को फोन करो, किधर रह गई वो? हाँ
कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा खट्टा मीठा। अरे बाबा जानी बाबा कोई नाश्ता दे दो, बहुत भूख लगी है। बच्चू भाई अकेला आदमी इतने लोगों का नाश्ता बनाना, टाइम तो लगेगा ना। क्या बात कर रहे हो बाबा। अच्छा ऐसी बात है तो आप खुद बना के देख लें। अच्छा बाबा ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं नाश्ता बनाऊं तो मैं नाश्ता बना देता हूँ। खैरियत तो है। हाँ बाबा इसमें क्या हो गया कि क्या बात है, आपने कहा नाश्ता बनाने, बाबा मैं बनाता हूँ। अरे बच्चू साहब कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। हाँ बाबा आप जाओ बैठो, मैं सबके लिए नाश्ता ला खोल जरा इसको। ये आप लोग मैं भी बाबा। हाँ बाबा ये आ गया है नाश्ता, ये आपका नाश्ता, ये आपका। ये नाश्ता आप क्यों लाए? अरे बाबा जानी ने मुझे कहा कि नाश्ता बना दे, मैंने बना दिया। हमारे कहने पे तो भला तुमने कभी कुछ किया नहीं, और जाने के बाद आपने फौरन से मान ली। अरे यदि क्या बात कर दी, हुक्म करे हो दी अभी कर देता हूँ, जो बोलो। अच्छा तो भला फिर आप ऐसा करो कि मेरे लिए आलू का पराठा और गरम गरम तरकारी जो होती ना मिर्चों वाली, वो बना के ले आओ मेरे लिए। यदि बस अभी गया और मैं अभी लेकर आया। बच्चों अरे हाँ बेगम क्या हो गया? आप उसके लिए काम करेंगे और मेरे लिए कुछ भी नहीं। अरे बेगम क्या बात कर दी, आपके लिए तो जाने भी हाजिर है, हुक्म करें। अच्छा तो फिर आप मुझे सोने का सेट दिलाएंगे? सोने का सेट? हाँ बाबा क्या बात कर दी, आदि के लिए मैं तरकारी बना दूँ, आलू का पराठा भी, फिर चलेंगे बाबा आपको सोने का सेट दिलाएंगे। वाकई? हाँ बाबा हाँ, बस मैं अभी बना के लाया। हाँ बाबा का सेट, वाह 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 वाह। बच्चू आज तो आपने दिल खोल के शॉपिंग कराई है मुझे। अरे वो तो बाबा आपने मुझे रोक लिया, वरना आपके लिए तो जान भी हासिल। अब अच्छा मैं ना थक गई, थोड़ा आराम करूंगी, जाने से कहकर एक अच्छी सी चाय बनवा दे। अरे अगर आप कहती हैं तो मैं अपने हाथों से आपके लिए चाय बना देता हूँ। आप अच्छा ठीक है, लेकिन अच्छी बनानी है। हाँ बाबा बिल्कुल अच्छी। बच्चू भाई कहाँ? अरे बाबा वो अपने हाथों से बेगम साहिबा के लिए चाय बनाने जा। ये क्या माजरा है, अल्लाह खैर कर, सब ठीक तो है ना? क्या बाबा आपको कोई मसला है तो आप भी बताएं। मुझे क्या कोई काम और क्या मसला, असल में मसला थोड़ा सा एक है। सही वो कमरे में ना बड़ा अंबार पड़ा हुआ है मैले कपड़ों का, सोच रहा था कैसे धोऊं, अगर थोड़ा सा आप धो लें तो अच्छा हो जाएगा। हाँ बाबा कोई मसला ही नहीं है, मैं पहले अपनी बेगम साहिबा के लिए अपने हाथों से चाय बना लूं, उसके बाद कपड़े भी धो डालेंगे और हुक्म। आराम से आप तो मेरी जान ही ले लेंगे, हजम नहीं हो रहा। अच्छा माइंड ना करे तो मैं टीवी देख लूं। टीवी? हाँ बाबा आप तशरीफ रखे, बाबा तशरीफ रखे, मैं आपके लिए टीवी चला देता हूँ। बाबा पता नहीं रिमोट कहाँ रख देता है ये जानी। बाबा ये मैंने वैसे ही ऑन कर दिया है। अच्छा अब ठीक है, ऐसे बैठ ऐसे अब ठीक है बाबा, मैं जाऊँ चाय बनाऊँ। ठीक से साथ में अगर पापे भी हो जाए तो अच्छा है। अच्छा अच्छा अरे बाबा वो बस कपड़े धो रहा था ना तो थोड़ी सी थकन हो गई। क्या तुम कपड़े क्यों धो रहे थे? बाबा वो बेचारा जानी जो है वो थोड़ा थका हुआ था तो उसने कहा कि आप धो देंगे, मैंने धो दिए। यार बच्चों तुम तो बहुत ही सीधा साधा है। हाँ बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही, इतना सीधा साधा भी नहीं है ये। हाँ बाबा सही कह रहे हो, वैसे इसको देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये इतने बड़े बंगले का मालिक है। अच्छा बाबा ये बात तो है। यार ये हर बात में हम ही भर रहा है, सब खैर तो है ना? बच्चू तुम मुझे अपना घर भेज दो। अच्छा बाबा खरीद लो बाबा। कितने में दोगे? बाबा जितना आप बोलो मुझे कोई मसला ही नहीं है। यार मैं 2 करोड़ दे दूंगा, मुझे दे दो ये घर। बाबा ठीक है ले लो। यार 1 करोड़ में मुझे दे दे। बाबा ठीक है तुम 1 करोड़ में ले लो बाबा। अबे यार मेरे पास एक पार्टी 80 लाख रुपए देगी, बोलते तो ले आऊं शाम को। हाँ बाबा ले आओ ठीक है ठीक है। देखिए बच्चू भाई हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, आप अपना घर 80 लाख में बेच रहे हैं, थोड़ी रियायती कर दे। जी बाबा बिल्कुल हो सकती है, जैसा आप कहें। 70 लाख ठीक है? हाँ बाबा अगर आपको ठीक लगते हैं तो ठीक है। नहीं नहीं
70 कहाँ से लाएंगे, 60 ठीक है, क्यों बच्चू भाई? अरे बाबा मुझे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जैसा आप कह रहे। बच्चू ये सब कुछ क्या हो रहा है? अरे बाबा ये घर खरीदने आए, मैं इनको घर बेच रहा हूँ। कौन सा? अरे यही घर। लो बला क्या, हम लोग बला क्या फुटपाथ पर रहेंगे क्या? देखिए प्लीज हमारी इनसे डील हो रही है, आप बीच में ना आए। अरे क्यों ना बोलो बीच में, मैं इनकी बीवी हूँ और मैं इनकी बहन हूँ। ये घर किसके नाम पर है? जी बाबा मेरे नाम पे। तो बस फिर 60 लाख में सौदा करते हैं। हाँ बाबा करें बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। क्या बिल्कुल ठीक है? बच्चू मना करे, क्या कर रहे हैं आप? ठीक है बेगम, हाँ जी मेरी तरफ से मना है बाबा, हमने सौदा नहीं करना। यार ये क्या बदतमीजी है, हमें तो यहाँ डील फाइनल करने के लिए बुलाया था। बच्चू यार तुम छोड़, तुम यहाँ पे दस्तखत करो। हाँ बाबा लाओ दस्तखत। बच्चू रुको रुको, तुम दस्तखत नहीं करोगे, एक दफा कह दिया ना। नहीं बाबा हम दस्तखत नहीं करेंगे, बेगम ने मना कर दिया। जिसका घर है जब उनको कोई मसला नहीं है, आप लोग क्यों बीच में बोल रहे हैं? अरे अदा बोलो ना, तुम घर नहीं बेच रहे हो। ठीक है मेरी अदी, बाबा मुझे घर नहीं बेचना है। बच्चू क्या बकवास कर रहे हैं, मेरी इज्जत और मेरा कमीशन दोनों खराब हो जाएगा, तू साइन कर इस पर। बच्चू क्या कर रहे हैं, होश में आए आप? जानी जानी तुम बाबा साहब को फोन करके बुलाओ यहाँ पे जल्दी से। ठीक है अपना फोन दो, मैं बुला लेती हूँ उससे। जानी जानी जल्दी आओ और इन सबको घर से बाहर निकालो। अरे बेगम कैसी बातें करती है, बुरी बात है, मेहमान है। तुम चुप करके बैठो बच्चू। हाँ बाबा साहब तुम्हारे छोकरो घर खपा पे, जल्दी लिया। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, ओके लापेज। बच्चू तुम इन सबको घर से बाहर निकालो। जी बेगम जी, उठो बाबा चलो बाहर, बाहर बाबा चलो बाबा बाहर बाहर। शाबाश शाबाश, हमने घर नहीं बेचना है, बेगम ने कह दिया है। बाबा जाओ शाबाश। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। भला बताओ 5 करोड़ का मकान 80 लाख रुपए में बेच रहे हैं, इतनी जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर, मुझे पता होता तो मैं ही को डील बना लेता। जानी चुप हो जा बाबा। अरे बच्चू क्या हो गया तुझे, होश में तो है ना बाबा तू? जी जी बाबा सही में होश में हूँ। शुक्र है कि सीमा और जरीना ने बाबा मुझे फोन करके बुला लिया, वरना तुम तो पता नहीं क्या कर देते। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? जी जी बाबा सही समझ गया, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। बच्चू साहब ऐसी गलती हमारे साथ भी तो किया करे ना, 5,000 का मकान दे दें। बाबा जानी तुम ले लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जानी तुम तो होश में रहो। अरे बच्चू बच्चू क्या हो गया है तुझे, अरे कैसे समझाऊं मैं तुझे। अरे बाबा इसके दिमाग के चोट लगी है कि ऐसा क्यों कर रहा है ये। बाबा सही पता नहीं है किस चक्करों में पड़ा रहता है, उस दिन भी किसी बाबे को घर में ले आया था। बाबा कौन सा बाबा? वही मंत्र तंत्र वाला बाबा, बुबू बाबा। फिर तो फिर क्या बाबा साईं? हाँ मुझे याद आया, मैं अभी आई, एक मिनट। ये बॉटल उसे मुझे तकिए के नीचे से मिली थी, पता नहीं किसकी और कहाँ से आई। क्या है बच्चू ये, जवाब दे बाबा। हाँ बाबा मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, वो जो बाबा बुबू आया था ना, उसने इस पे जंतर मंतर पढ़कर मुझे दिया था कि ये अपनी बहन और अपनी बीवी के तकिए के नीचे रखना, तुम्हारी ताबेदार हो जाएंगी। वो तो है, उल्टा आप होगा। क्योंकि ये बोतल मेरे तकिए के नीचे थी, जब मैं लेटी तो मुझे कुछ चुभा, मैंने निकाल के देखा, मैंने कहा बच्चों ने जरूर कोई सैंपल ला के रखा होगा, मैंने इनके तकिए के नीचे रख दी और ये आकर सो गए। अच्छा तो ये सब इसकी वजह से हुआ है। सीमा मैडम ये क्या बात हुई, आपने इतनी जल्दी बांधना फोड़ दिया, कुछ दिन और जरा कपड़े और नाश्ता बनवा लेता तो आप लोगों को क्या जाता। जानी शट अप शट अप। जानी बाबा इसको कहीं जाके दूर फेंक गया ताकि इसके सर से इसका असर खत्म हो जाए। और हाँ जानी खबरदार कोई हेरा फेरी की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। बाबा तुम दोनों इसके साथ चली जाओ, जाके दूर समंदर में कहीं इसको फेंक के आ जाओ ना। ये लो बाबा। ठीक है बाबा जानी ठीक है। अरे तुम्हें नहीं कह रहा, मैं इन दोनों को कह रहा हूँ पागल। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, चलो 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 जानी। अरे बाबा आ गए तुम लोग, फेंक दिया ना बोतल को। हाँ बाबा साईं बार बार बोतल आ रही थी, दो दफा तो जानी ने जाके खुद दोबारा फेंकी। बाबा साईं मैं कोशिश कर रहा दूर से दूर फेंकूं। बच्चू कहाँ है बाबा साईं?
बाबा वो सो रहा है, आराम कर रहा है ना। वैसे मैं कह रही थी कि आप थोड़ी देर रुक जाएं, वो सो के उठेगा तो उसे देख लीजिएगा कहीं कोई और हरकत ना कर दे। हाँ बाबा जानी, आज तो इसने बिल्कुल सही बोला आपको। आप ऐसा करो कि मेरे कमरे में जाकर सो जाओ और मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगी। अरे वाह बाबा वाह, कितना ख्याल रखती है मेरी बेटी। देखो मैं जा रहा हूँ इसके कमरे में, आराम करूंगा, सो जाऊंगा। हट जाओ भाई, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, ठीक है। मुर्गे अजान दे रहे हैं इस टाइम पे। अच्छा अब मैं जब तक जाता हूँ तुम्हारा दूसरा कमरा साफ करता हूँ। शुक्रिया आपका भी। वाह भाई वाह 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 वाह, आज तो बच्चों ने मुझे थका दिया भाई, आज तो बड़े सुकून से मैं सोऊंगा। ले भाई। हर वक्त खाते पीते रहते हैं फिर भी इनकी सेहत नहीं बन रही, क्या करूं। जानी। हाँ जानी बाबा, नाश्ता कराओ बाबा, बहुत भूख लगी है। अकेला आदमी हूँ, आपको पता ही है नाश्ता बनाने में टाइम तो लगता है, अगर आप थोड़ी सी मदद करते तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अरे बाबा क्या बात करता है, मैं तुम्हारी मदद करूँ? तुम नौकर है या मैं नौकर हूँ? बाबा दो लोगों की तनख्वाह लेता है, एक नौकर की दूसरा मैनेजर की। बाबा फिर भी बात करता है कि मैं करूँ। बाबा नाश्ता बना कर दो। और ये बर्तन बाबा, ये बर्तन धुले हुए होने चाहिए, रात में नहीं धोए तुमने। बात करता है, ठीक हो गया लगता है। चलो। अरे बाबा जानी। जी बाबा जानी। नाश्ता बना रहे हो, चाय भी बनाओगे? जी जी जी। कितनी देर लगेगी चाय बनाने में बाबा? बाबा जानी अकेला आदमी हूँ, टाइम लगता है चाय बनाने में, अगर आप थोड़ी मदद कर दे तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा बनाएंगे चाय? मैं बनाऊंगा, खोलो। शुक्र है बाबा मेरा आधा ठीक हो गया। अरे बाबा क्या बात करती है, मैं खराब कब हुआ था, चरी हो गई है क्या? बच्चू आज आप मुझे फिर शॉपिंग पे लेके जाएंगे ना? अरे बाबा शॉपिंग नहीं, बाबा शॉपिंग पे नहीं जाएंगे, बहुत खर्चा होता है। बस अब मुझे यकीन हो गया कि बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए। जानी जानी चाय लेके आ जाओ। बाबा ये आप लोगों के लिए गरम गरम चाय। बाबा जानी आप? अभी जानी बाबा ने कहा है कि घर के कपड़े भी सारे धोने हैं, घर की सफाई भी करनी है, वो भी मैंने करनी है ना। जानी। जी मेरा बेटा जानी, हुक्म करें आप, आपका ताबेदार हाजिर है, नाश्ता भी बना रहा हूँ बेटा, नाश्ते में कुछ चाहिए आपको? नहीं। बाहर से, मैं तो भी थोड़ी देर पहले बाहर से आई हूँ, मुझे तो कोई नजर नहीं आया। अरे बाबा बाहर से नहीं, बाहर मुल्क से आ रहा है। अदा एक नौजवान ना मेहरम छोकरा हमारे घर में आकर रोकेगा, तुम्हारी इज्जत क्या गांव चली गई है? ये अगर 90s और 50s के जोक्स खत्म हो गए तो मुझे बताएं मुझे क्यों बुलाया आपने? ये 1950s के नहीं, ये 50-50 के जोक है ना। आहा 50-50 का दौर तो कब का खत्म हो गया, अब तो 2020 का दौर है। और ये बच्चू साहब की बहन है। समझ गया समझ गया, यानी कि आपने घर में नौकर भी रखा हुआ है और जोकर भी। तो देखो बिल्कुल जोकर लग रहे हो। बाबा क्या हुआ? अरे मेरा मतलब है जो अफ्रीकी है ना, वो मैडम को झींगा लाला बना के ले जाएगा और आप यहाँ ऊलाला करते रहेंगे। क्या बात कर रहे हो बाबा, वो कजन है सीमा का। तारीख गवाह है, बहुत से मासूम शोरों के घर इन कजनों ने तोड़े। इम्प्रोवाइज़ नहीं मतलब क्या है, वट्टा सट्टा जो नौकर वो चाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।